हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आज मैं बात करूंगा एक ई कॉमर्स वेबसाइट या एक ई कॉमर्स बिजनेस को ऑनलाइन रन करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है और किस तरीके से हम अपना एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं और उसको सक्सेसफुली ऑनलाइन रन कर सकते हैं, उसके माध्यम से पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, जब से लॉकडाउन हुआ है तब से हम सभी लोगों के जीवन पर काफ़ी उसका प्रभाव पड़ा है और काफ़ी ज़्यादा उसका असर हमारी दिनचर्या पे दिखने लगा है। कई सारे लोग जो है वो घर से जॉब कर रहे हैं, कई सारे लोग जो है अपने बिजनेस को फिर से उसी पोजीशन पे लाना चाहते हैं जिस पोजीशन पे पहले चल रहा था, और काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। तो ऐसे में ऑनलाइन जो है वो बिज़नेस करने का ऑप्शन या ऑनलाइन की जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो एक बहुत अच्छा माध्यम बन चुका है। जब भी कोई इंसान ई कॉमर्स बिज़नेस स्टार्ट करने की सोचता है तो मोस्ट ऑफ द पीपल उसकी तैयारी पूरी तरीके से नहीं करते हैं, जिसकी वजह से होता यह है कि वो एक वेबसाइट तो बना लेते हैं मगर उसके माध्यम से प्रोडक्ट नहीं बेच पाते हैं। तो एक ई कॉमर्स बिज़नेस को सक्सेसफुली रन करना जस्ट एक वेबसाइट बना लेना नहीं होता है, एक वेबसाइट बना लेना एक ई कॉमर्स बिज़नेस को बढ़ाने का या उसको बनाने की एक शुरुआत भर होती है। 5,000, 10,000, 20,000 रुपए का एक इन्वेस्टमेंट छोटा सा करके अगर एक इंसान सोचता है कि वो ऑनलाइन बिज़नेस सक्सेसफुल रन करेगा या काफ़ी सारे प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचेगा, तो ये जो है वो एक सही सोच नहीं है। क्योंकि एक वेबसाइट के लिए आपको एक प्रॉपर डोमेन नेम, एक बढ़िया, उसके बाद में एक सर्वर जो है वो एक अच्छा हो जहाँ पर वेबसाइट आपका यूज़र जब आपकी वेबसाइट को खोले तो ऐसा ना हो कि वो वेबसाइट वहाँ पर एकदम स्लो चल रही है और वो ओपन ही नहीं कर पा रहा है। ऐसे में क्या होता है कि वो कस्टमर जो है वो चला जाता है आपकी वेबसाइट पे, ट्रस्ट नहीं कर पाता है। फिर आपकी वेबसाइट के ऊपर SSL सर्टिफिकेट होना चाहिए, इसका मतलब आपकी वेबसाइट का जो URL है वो HTTPS होना चाहिए, और उसके बाद आप एक बेहतरीन वेबसाइट ई कॉमर्स की बनाएँ। ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाने के बाद आप जब प्रोडक्ट वेबसाइट के ऊपर अपलोड करें तो वो जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी इमेजेस, बिकॉज ऑनलाइन जब भी हम कोई प्रोडक्ट सेलिंग की बात करते हैं तो हम लोग इमेजेस पे डील करते हैं, क्योंकि फिजिकली उस प्रोडक्ट को छू कर हमारा कस्टमर नहीं देख सकता है। तो अपने जितने भी प्रोडक्ट हैं आप उनका एक प्रॉपर फ़ोटोशूट करें, प्रॉपर उसका प्राइसिंग, उसका डिस्क्रिप्शन, उसकी क्या क्या, मतलब जैसे कि बाकी ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे Amazon है, Flipkart है, इनके ऊपर जब हम देखते हैं तो प्रोडक्ट की प्रॉपर तरीके से लिस्टिंग की जाती है। और ऐसे ही आपको भी अगर अपना एक ई कॉमर्स पोर्टल सक्सेसफुली ऑनलाइन चलाना है तो पहले तो आपको एक वेबसाइट बनानी अच्छी पड़ेगी, और उसके बाद में उसको प्रॉपर अपनी प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग करेंगे। जब आपकी वेबसाइट एक अच्छे तरीके से, खूबसूरत तरीके से दिखाई देने लगेगी, आपके प्रोडक्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद अब आपकी बारी आती है प्रमोशन की। क्योंकि अगर आप अपने वेबसाइट को बना के अगर उस पर प्रमोशन पे खर्चा नहीं करेंगे तो भी आप प्रोडक्ट्स को जो है वो ऑनलाइन सेल नहीं कर पाएंगे। आपको एक बात को भूलना नहीं चाहिए कि इंटरनेट की दुनिया के अंदर बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कि बहुत बड़े बड़े ब्रांड हैं और वहाँ से जो है मैक्सिमम पीपल ऑनलाइन खरीदी करते हैं, तो आपको उनके कॉम्पिटिशन में जो है अब खड़े रहना है या आपको कुछ ऐसा करना है जिसकी वजह से लोग आपके वेबसाइट से प्रोडक्ट खरीदें। अगर आप प्रमोशन पर खर्चा नहीं करेंगे तो काफ़ी मुश्किल है कि आपने वेबसाइट बनाई, आपके उस प्रोडक्ट डाले उसके ऊपर और बस जस्ट थोड़ा बहुत इधर उधर करके रह जाएंगे। सक्सेसफुल बिजनेस यदि हमें करना है तो हमें इस बात को माइंड में पहले से ही सोच के रखना है कि हमें इसके प्रमोशन पर भी एक खर्चा करना पड़ेगा। और जब हम एक बेहतरीन वेबसाइट बनाते हैं और उसका प्रमोशन करते हैं, उसके बाद जो है हमारे प्रोडक्ट सेल होते हैं। अब प्रमोशन भी कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिकॉज हम सोशल मीडिया पे प्रमोशन कर सकते हैं, फेसबुक ऐड के थ्रू जो है हम अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं, वेबसाइट को प्रमोट कर सकते हैं, गूगल जो है उसके थ्रू हम अपने वेबसाइट और प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट की भी ज़रूरत होगी। या तो आप खुद से जो है डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं, आप सीख सकते हैं कि किस तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को फेसबुक के ऊपर लिस्ट करके हम वहाँ से सेल कर सकते हैं, किस तरीके से गूगल के ऊपर लिस्ट कर सकते हैं और वहाँ से वो जो है हम सेल कर सकते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किस तरीके से किया जाता है ये हम सीख सकते हैं। तो कुल मिला के ये है कि बिज़नेस चाहे ई कॉमर्स का हो या कोई और बिज़नेस हो, उस बिज़नेस की प्रॉपर प्लानिंग करो, प्रॉपर बजटिंग करो और
पूरा माइंड मेकअप करके फिर ही इंसान को मार्केट में उतरना चाहिए, तभी एक सक्सेसफुल बिजनेस बन पाएगा। अदरवाइज़ ये होगा कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है कि सस्ता वेब डेवलपर जो है लोग हायर कर लेते हैं और उससे एक वेबसाइट बनवा लेते हैं, कुछ प्रोडक्ट जो है वो डलवा लेते हैं, प्रोडक्ट डालने का इंसान को खुद ही नॉलेज नहीं होता है और वो थोड़े दिन बस ऐसा ट्राई करके उस चीज़ को छोड़ देता है, तो मतलब उसका पैसा भी चला जाता है और वो प्रॉपर चीज़ें से तरीके से होती भी नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप कोई भी बिज़नेस करना चाहते हैं और उसके लिए आप चाहते हैं कि आप एक वेबसाइट के थ्रू बिज़नेस डेवलप कर सकें, देखो वेबसाइट बनाना और वेबसाइट के थ्रू एक बिज़नेस डेवलप करना दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो आपको चाहिए एक प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर प्लानिंग और एक अच्छा बजट। बिकॉज आप कोई भी बिज़नेस शुरू करते हैं तो आपको उसमें एक बजट तो लगता ही है, अगर आप ऑफलाइन भी एक दुकान खोलते हैं तो वहाँ पर भी तो आपको एक बजट लगता ही है ना, तो आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ऑनलाइन जब आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर आपको बजट नहीं लगेगा या आपको प्रमोशन का खर्चा नहीं आएगा। बट हाँ, राइट प्रमोशन मेथड और राइट जो है आपको प्लेटफॉर्म चूज़ करना ज़रूरी है, आपको डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज या एक्सपीरियंस होना चाहिए, अदरवाइज़ आपको किसी एक्सपर्ट्स के साथ में मिलके ही ये बिज़नेस करना चाहिए, तभी आप एक सक्सेसफुल बिज़नेस ऑनलाइन रन कर सकते हो। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से आपके ई कॉमर्स बिज़नेस को रन करने में कुछ मदद हुई होगी, और अगर आप अपना एक ई कॉमर्स बिज़नेस करना चाहते हैं और आप हमसे कुछ मदद चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने हमारा यूट्यूब के ऊपर हिंदी में सीखो दिल से नाम का एक चैनल बनाया हुआ है और हमारे माध्यम से हम लोग वहाँ पर फ्री सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। हमने वहाँ पर वेबसाइट का डिज़ाइनिंग ए से लेके जेड तक, किस तरीके से डोमेन परचेस करना है, किस तरीके से आपको सर्वर लेना है, किस तरीके से आप अपना एक वेबसाइट पोर्टल बना सकते हो, इस जानकारी वहाँ पर दी हुई है। कुछ हमारे प्रीमियम कस्टमर हैं, प्रीमियम कस्टमर्स को जो है हम ये सारी चीज़ें हम खुद फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको आपके रिजनेबल आपके बजट के अंदर एक प्रॉपर सॉल्यूशन मिले जहाँ पर आप अपना ई कॉमर्स का बिज़नेस ऑनलाइन खड़ा कर सकें, तो डेफिनेटली आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके साथ साथ वहाँ पर हमने काफ़ी सारे वीडियो दिए हुए हैं। और अगर उसके अलावा आपको लगता है कि हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं आपके बिज़नेस को ऑनलाइन बिल्ड करने में, तो बेझिझक आप हमसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।